मोहित भाई हमारे हवन सामग्री कूट रहे, इसे कहते हैं इमाम दस्ता। ये कूटा जा रहा है, इसमें क्या है ये छल छबीला। शानदार कुटाई होती है इमाम दस्ते में। वन सामग्री जितनी अच्छी होगी उतना वातावरण शुद्ध होता है, तो कोशिश करें ओरिजिनल लाएं। ये रहा गूगल, ये रहा गंधक, ये है अगर तक गूगल लोबान, दिस इज लोबान। और ये सब के सब अब हम इसमें मिलाएंगे और शुद्ध एक हवन सामग्री बना रहे हैं। चंदन का पाउडर है, देखो चंदन का पाउडर आ गया। ये देखो इसमें सब मिलेगा दोस्तों। ये अगर तगर है, ये अगर तगर, और क्या क्या है ये पता नहीं, सागर माथा। हाँ बहुत सी चीजें हैं, ये सब हम मिला के पूरे एटमॉस्फेयर जबरदस्त पावरफुल बनेगा, सुगंधित बनेगा। हवन सामग्री आप देखें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल चीजें मिलाएं, और जो पौराणिक चीजें होती हैं ये सब साधनाओं का करने के लिए, केवल लकड़ी लगा दिया उससे ही काम नहीं चलता। देखिए सच्चे शुद्ध मन से तो होता है, लेकिन ये सब मिलाने से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाता है आपका हवन। तो किसी सिद्ध गुरु से या किसी गुरुदेव से हवन सामग्री लें, उनसे पूछें और ये सब मिलाएं हवनों में। आप सभी सब्सक्राइबर्स को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस उपलक्ष्य पर मैंने और मेरे मित्र मोहित ने हवन किया है। देखिए हवन बहुत ही एक शुद्ध पाठ होता है आपके जीवन में, कोशिश करें कि इसको अपने जीवन में सम्मिलित करें। और ऐसे जो समय होते हैं इनके करने का अलग ही महत्व होता है, कभी इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दशहरा, आप अपनी संस्कृति जरूर बनाए रखें। देखिए हम लोग करते रहते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद, मंदिर में बैठे, काफी प्राचीन पौराणिक मंदिर है, ऐसे मंदिरों में आप जाते रहिए और माता और सभी इष्ट देवताओं का अपना आशीर्वाद लेते रहिए। हमारी संस्कृति है, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, इसे लेके चले, आपका बहुत उद्धार होगा। जी हाँ, अपने ऋणों से मुक्त होना है, तो अपनी संस्कृति को पकड़ के चलें। और यही जो देव ऋण से मुक्त होने का ही एक वो है, जैसे मित्र ने कहा, हवन जो है देव ऋण से मुक्त होने का एक माध्यम है। आप भी इसको फॉलो करें, कभी इसके ऊपर एक विस्तार से हम बताएंगे आपको कितने ऋण होते हैं, कैसे उनसे निकला जाए। तो अगर आप इन सभी ऋणों से मुक्त हो गए तो समझ लीजिए भव सागर पार हो गया आपका, मोक्ष की प्राप्ति यहीं से होती है। ऋण मत छोड़िए जीवन में, धन ही सबसे बड़ा ऋण नहीं है, ये भी सब बहुत से ऋण होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी दशहरा, विजयदशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की, जय माता दी, जय श्री राम।